फटाफट दोस्तों, यहाँ पे वीडियो पे हम आ चुके हैं और ऐसे में अब देख लेते हैं अब एक एक करके बिल्डिंग मटेरियल का रेट 2023 में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल जो है वो सीमेंट, सीमेंट के बिना हमारा घर नहीं बन सकता, ना हम ईंटों को जुड़ाई कर सकते हैं, ना हम RCC डाल सकते हैं, ना हम PCC डाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर सीमेंट का रेट जो है आपको क्या पड़ने वाला है इस टाइम पे, आपको तो 380 से लेकर के 450 रुपये पर बैग के हिसाब से आपको सीमेंट का रेट पड़ने वाला है। और दोस्तों, ऐसे में ये एग्जैक्ट रेट थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर नीचे भी पड़ता है, और मटेरियल का रेट बहुत चीज़ों से डिफरेंस करता है। काफ़ी बार होता है कि आपके आसपास ही खदान होती है, आपके आसपास ही फैक्ट्रियां होती हैं, जिस कारण से आपको मटेरियल रेट काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपके शहर में या आपके घर के आसपास किस मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं अपने शहर के साथ। इसका बेनिफिट क्या होगा, और लोगों को भी पता लगेगा कि किस शहर में क्या रेट चल रहा है। में अगर सीमेंट का रेट आपको 380 से 400 तक में नॉर्मली आपको सीमेंट मिल जाना चाहिए। और ये सीमेंट कौन सा है, ये सीमेंट आप जो अच्छे सीमेंट्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ, अंबुजा, ACC, ऐसे में आप इनमें से कोई सा भी ले लेते हो तो इसी के आसपास रेट आपको पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रेट ऊपर या नीचे पड़ेगा। अब अगला देख लेते हैं इसमें। और ना ही दोस्तों, मैं ये वीडियो की कोई स्पॉन्सरशिप है कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो आपको वही यूज़ करना ही है। आप आराम से कोई सा भी सीमेंट इसमें ले सकते हो। अगला इसमें दोस्तों आ जाता है हमारा रेड ब्रिक। हमारे जो ईंटें हैं, लाल रंग की ईंटें हैं, वो आपको कितने रुपए की आपको पड़ जाती हैं। लाल ईंटें जो है हमारी, वो हो जाती है हमारी 8 से 12 रुपए तक में आपको लाल ईंटें मिल जाएंगी। ये अलग अलग शहर में कहीं पे 8 भी मिल जाएगा, कहीं 12 ही मिल जाएगा, हो सकता है कहीं पर आपको इससे सस्ता भी मिल जाए, लेकिन इतना तक ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे को जितना लगता है रेड ब्रिक में। अभी इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर स्टील, स्टील जो है हमारा, जो आपका सरिया जो है, जो नॉर्मली आप यूज़ करोगे छत में, RCC में, फुटिंग में, तो उस सरिया जो है हमारा वो 65 रुपये से लेकर के आपका 75 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ जाना चाहिए। और ऐसे में अगर आप टाटा जिंदल की तरफ जाते हो, जो अच्छे अच्छे ब्रांड है, तो यहाँ पे आपको रेट और भी ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों उनके दाम थोड़े से और ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मल मैंने सरिया के दाम बताए हैं, आप उनमें से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा रिवर सैंड। रिवर सैंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये हमारा प्लस्तर हो गया या फिर ऐसे ही कोई भी काम हो गया, तो वहाँ पे हमें रिवर सैंड या फिर कर्व सैंड की जरूरत पड़ती है। रिवर सैंड जो है आपका, हमारा जो दाम पड़ता है वो हमारा 50 रुपये क्यूबिक फुट के हिसाब से लेकर के उसके बाद 60 रुपये क्यूबिक फुट तक जाता है। आपके शहर में क्या रेट चल रहा है मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों रिवर सैंड का रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार करता है, क्योंकि रिवर सैंड है जो नदी से निकलने वाली बालू है, वहाँ पे कहीं पे नदी पास में पड़ती है, कहीं पे दूर में पड़ती है, जिसके भर में पास में पड़ती है वहाँ पे बहुत सस्ती पड़ जाती है, और जहाँ दूर में पड़ती है वहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो आपके यहाँ शहर में या आपके घर के आसपास क्या रेट चल रहा है रिवर सैंड का मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रश सैंड, क्रश सैंड दोस्तों उस बालू कहा जाता है जो मैक्सिमम जो है हम ब्रिक वर्क में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर क्रश सैंड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे आपके शहर में क्या रेट पड़ रहा है इसका वो जरूर बताएं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 45 रुपये क्यूबिक फुट से लेकर के 60 रुपये क्यूबिक फुट तक रेट आपका पड़ जाता है। अब इसमें दोस्तों एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी है, मतलब कि रोड़ी, रोड़ी जो है आपका कितने रुपए पड़ जाएगी, रोड़ी जो आपकी पड़ जाएगी यहाँ पे 50 रुपये क्यूबिक फुट से लेकर के 65 रुपये क्यूबिक फुट तक। अब टाइल्स आपका क्या रेट पड़ेगा, टाइल जो आप लगाने वाले हो बाथरूम में, किचन में, या फिर जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, नॉर्मली जो है ये 35 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर के 70 रुपये स्क्वायर फुट तक में आपको मिल जाएगा, 70 रुपये स्क्वायर फुट में मिल जाएगा। अब हो सकता है आपको इससे सस्ती भी मिल जाए, हो सकता है इससे महंगी भी मिले, क्योंकि दोस्तों टाइलें अच्छी से अच्छी भी आती हैं और ख़राब से ख़राब भी आती हैं। लेकिन नॉर्मली जो है एक मिडिल क्लास वाला एक ठीक ठाक क्वालिटी, सही क्वालिटी का टाइल लगाना चाहता है तो इतने रुपये से लेकर के इतने रुपये तक में आपका एक अच्छी टाइल आ जाती है। तो यहाँ पर आप इन टाइलों को यूज़ कर सकते हो, और इससे नीचे का टाइल अगर आप यूज़ करते हो तो ऐसे में हो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आपको थोड़ी टाइम के बाद उनके रंग उड़ने लग जाए या वो टाइल ख़राब होने लग जाए। अगला मटेरियल दोस्तों इसमें आ जाता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है आपका 125 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर के 200 रुपये स्क्वायर फुट तक में आपको एक अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा अपने घर के लिए। बहुत लोग इसको सिर्फ किचन में यूज़ करते हैं, बहुत लोग इसको अपने घर में बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। आप किस जगह पर यूज़ करने वाले हो कमेंट बॉक्स लिखकर ज़रूर बताएँ, और प्लस दोस्तों आपके शहर में क्या रेट पड़ रहा है वो ज़रूर बताएँ। हो सकता है दोस्तों इसमें ये आपका खदान पास में होने में या फिर जहाँ से ये बन के आता है वहाँ से पास में होने के कारण आपको रेट और सस्ता मिल जाए, या फिर और भी महंगे महंगे आते हैं, इसमें क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको कौन से रेट का लगा रहे हो वो भी ज़रूर बताना दोस्तों,
मेरे को नॉर्मली जो इंसान है वो इतने तक में एक अच्छा ग्रेनाइट आ जाता है काम चलाओ, मतलब काम चलाओ तो नहीं कहूँगा दोस्तों, एक अच्छा ग्रेनाइट आ जाता है। आपके यहाँ पे आप कौन सा ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हो मुझे ज़रूर बताएं। हमारे आ जाती है अब घर में लास्ट में आ गए हैं तो हमारा पुट्टी और पेंट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन पेंट के ऊपर तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि पेंट का टॉपिक दोस्तों बहुत बड़ा है। पुट्टी को देख लेते हैं। पुट्टी जो आपको पड़ जाती है, पुट्टी का कॉस्ट जो आपको पड़ जाता है वो आपका जो है 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लेकर के 25 रुपये पर केजी के हिसाब तक में आपको पैकेट मिल जाएगा। अगर आप इसका बहुत बड़ा बैग लेना चाहते हैं जो मतलब कि ऑलमोस्ट 30 केजी का है तो वो आपको 600 से 650 के बीच में पड़ने वाला है। और ये इसमें भी आपका एक अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको मिल जाएगा, चाहे इसमें ब्रांड कोई सा भी हो, चाहे बिरला वाइट हो, चाहे एक्सेल पुट्टी हो, मतलब ऐसे में कोई सी भी पुट्टी हो तो वो आपको इतने रुपये तक में एक अच्छा पुट्टी मिल जाएगा। लास्ट में आ जाते हैं बिल्कुल डोर फ्रेम, मतलब अपना घर बन चुका है आप चौखट लगवाना चाहते हो तो ऐसे में आपका ठीक ठाक अच्छा चौखट कितने तक में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2500 रुपये से लेकर के 3500 रुपये तक में एक अच्छा चौखट आपका घर का मिल जाएगा। और फिर इसमें आपका हो जाता है विंडो, खिड़कियाँ। खिड़कियाँ दोस्तों यहाँ पे खिड़कियों में आपका बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई आपका यहाँ पे लोहे का लगाता है, कोई यहाँ पे आपका अल्मीनियम स्लाइडिंग विंडो लगाता है, तो ऐसे में अलग अलग तरह की विंडोज आप लगा यूज़ करते हो, आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हो ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये दोस्तों प्राइस जो मैंने लिखा है ये एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का लिखा है, और ये दोस्तों प्राइस जो है बहुत सारा डिफरेंस कर सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी तरीके की विंडोज़ आती है एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो में भी। इसमें स्लाइडिंग विंडो होती है, पाउडर कोटिंग विंडो होती है, प्लस 2-track 3-track विंडोज़ होती हैं, ऐसे बहुत सारी तरीके की विंडोज़ आ जाती है। तो ऐसे में आप कौन सी विंडो लगा रहे हो वो बताएं। जनरल जो इसका प्राइस आपको पड़ता है वो आपका 250 से लेकर के 400 रुपये स्क्वायर फुट तक आपको प्राइस पड़ जाता है। तो ऐसे में आपके यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो आपने अगर लगवाई है या लगवाने की सोच रहे हो, आप रेट पता कर रहे हो तो आपके शहर में आपके आसपास क्या रेट है जरूर बताएं। मुझे इसके रेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन मैंने जो पता किया ऑलमोस्ट इसी के आसपास आपका हर एक शहर में आपका रेट पड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही आप सभी के लिए, ऐसे में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको किसी मेटल के रेट के बारे में अगर ऊपर नीचे लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, प्लस आपके शहर में क्या रेट चल रहा है मुझे वो लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, हमारे लिए भी और साथ में जो भी घर बनाने वाले हैं उनके लिए। जो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमें एक जब घर बनाने की सोचते हैं तो उस टाइम पे अपने खर्चे को लेके चलना पड़ता है कि हमारा खर्चा जो है कम ना पड़ जाए, या ऐसा ना हो कि घर आधे बनाने में हमें रोकना पड़ जाए। तो ऐसे में अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल के रेट पहले से पता होंगे तो हम अपना काम जो है उतना फ्लुएंटली करवा सकते हैं, उतना पैसे का जुगाड़ करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में मुझे ज़रूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं कि वीडियो की ऐसे ऐसे वीडियोस हैं इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल का रेट पता लग जाता है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।